तीन शेर है। जी सर। यस सर। ओके, ये था कि इसको मार्जिन कैसे लेना है, ठीक है। वो अभी देखने लगे हैं, अपने टेबल पे जाएं, ये टेक्स्ट लिखें इसके अंदर, दोबारा से टेबल सेलेक्ट करें, ठीक है। तो ये आ गया मार्जिन ऊपर ऑप्शन, ठीक है। इधर से आप इसकी वैल्यू चेंज करें जितनी भी आप करना चाह रहे हैं। तो इसका एक और मेथड है, वो भी बताते हैं कि इसको सेंटर में इसकी अलाइनमेंट जो है वो कैसे करनी है। अभी ये भी माइंड कर गया, पता नहीं क्या इसका मसला है। अच्छा, तो ये मार्जिन की वैल्यू है, इधर से ये देखें, मनान नजर आ रहा है। अब्दुल मनान, जी अच्छा सर। ये हाँ ओके, इसकी वैल्यू दें कोई सी भी जितनी आप देखें। मैंने 50 दी है, तो इसने 50 पिक्सल जो है ना स्पेस ली है चारों साइडों से, ये टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, ठीक है। इसी तरह ये शो भी हो रहा है आपके पास, टॉप मार्जिन ये आगे जाए तो लेफ्ट, ये बॉटम और ये राइट लास्ट पर, ठीक है। अगर जी सर। आप इधर से पूरी 100 वैल्यूज की करें, ठीक है, 100 करेंगे तो ये 100 की वैल्यू ले लेगा, ठीक है। देखिए आप इधर टैक्स लिखा है, थोड़ी सा इधर लिख लें मार्जिन पे मिल रहा वर्ड, ठीक है। इसका साइज ज़्यादा करें इधर से, अभी आपने जाना दोबारा टेबल टूल, उसको इधर क्लिक करना है तो ऊपर मार्जिन शो हो जाएगा, ठीक है। बॉक्स के अंदर मार्जिन की आप वैल्यू देंगे कौन सी भी तो ये एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। हो गया बनाना, हो गया आपका इशू। सर मेरा मार्जिन ही नहीं आ रहा, मैं उसे टैप से ही कर लेती हूँ, वो नहीं आ रहा जैसे आपने बताया। ये देखिए टेबल पड़ा हुआ है, सिंपल एक बार इसके ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। ये टेबल टूल का, और इसको इधर अंदर आके इसको क्लिक कर लें, मार्जिन आ जाएगी पूरी। ये आपने जो टैक्स ही जो है ना वो सिंपल लिखा हुआ है, आपने सेल के अंदर टैक्स में लिखा हुआ है, ऐसे ही है। सर ये बिल्कुल जैसे आपने लिखा है ना, मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, लेकिन वो फिर भी नहीं आ रहा। आपने पहले टेबल को सिलेक्ट नहीं किया, टैक्स ऐसे लिखनी है, ये देखें, ये आपने पहले सिलेक्ट। अगर इस तरह आपका बॉक्स जो है स्मॉल लाइनिंग वाले बॉक्स आ गए, इसके अंदर सेल के अंदर हाँ जी इधर लिखा है आपने टैक्स, जी मैंने लिखा है। तो उसके बाद ये सिंपल क्लिक करने से टेबल टूल से क्लिक कर दें एक बार इधर, तो ऊपर मार्जिन शो हो जाएगा। नहीं सर फिर भी नहीं हो रहा। अच्छा, इसको सेंटर करने के दो तीन मेथड है, वो हम देखते हैं जैसे क्विकली, ठीक है। एक तो ये ऊपर जाए, आप अभी आपका टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ ही आ रहा है, लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है। ये देखें इधर से आप इसको कर सकते हैं सेट, ये जस्टिफाई करना, जस्टिफाई जो पहले हम ऑप्शन देख रहे थे पैराग्राफ में टेक्स्ट में, ठीक है। राइट पर करना है, सेंटर पर करना है, लेफ्ट करना है, ये मैं सेंटर पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह शो हो गया टैक्स। दोबारा टैक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, टैक्स टूल को, ठीक है। कि प्रॉपर्टी में जाते हैं, टैक्स टूल की प्रॉपर्टीज पहले भी हमने ट्राई की हुई है, ठीक है। ये टैक्स आपने जो है आप सिलेक्ट कर लें अपना, उसके बाद जाएंगे नीचे आपके पास आ रहा है वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट की तरफ जाएँ तो इधर भी आपको अलाइनमेंट शो होगी, टॉप वर्टिकल अलाइनमेंट है, सेंटर वर्टिकल है, बॉटम वर्टिकल है, फुल वर्टिकल है। तो अभी हम क्या करते हैं, सेंटर पे क्लिक करते हैं, आपका टेक्स्ट का बिल्कुल सेंटर में मिलेगा, ठीक है। मार्जिन से आप करेंगे तो बार बार वैल्यू सेट करनी पड़ेंगी, वो थोड़ा जो है मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन उसका पर्पज थोड़ा सा अलग है कि मार्जिन की जरूरत पड़ती है कि बहुत कम स्पेस जो हमने देनी हो साइडों से, लेफ्ट राइट से, टॉप बॉटम से, बहुत कम स्पेस देनी हो, उसके लिए यूज होता है मार्जिन। तो अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यू में यूज करनी है तो ये इसके प्री सेट अवेलेबल है हमारे पास, लेफ्ट राइट। अभी मैं दोबारा इसको करता हूँ,
ये अपना टैक्स को लें, ठीक है, इधर आए सेंटर वर्टिकल, टैक्स की प्रॉपर्टीज में आना है आपने, टॉप वर्टिकल अलाइनमेंट है, ये देखें इसके ऊपर माउस लेके हैं तो थोड़ी चेंज भी हो रहा है, टॉप वर्टिकल, सेंटर वर्टिकल, बॉटम वर्टिकल, जो सा भी आपने करना है हम सेंटर इसको कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास असाइनमेंट थी वो क्या था कि ये सेल्स को हमने मर्ज करना था, ठीक है, टेबल दोनों को सिलेक्ट किया, इशू आया काफ़ी सारे लोगों को, तो इसको इधर मर्ज का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास मर्ज सेल, ठीक है, इसको मर्ज कर दिया। इसी तरह हमने इधर को टैक्स लिखना है, तो सिंपली इधर टैक्स हमने क्या लिखना था, असाइनमेंट असाइनमेंट टू, ठीक है, इसका साइज बड़ा कर जी मारो सर, मुझे 20 मिनट की सर जरा इजाजत दे दे, मैं घर जा रहा हूँ, दफ्तर से निकलने लगा हूँ सर। ठीक है जी, पहुँचे आराम कर, शुक्रिया सर। अच्छा ये असाइनमेंट हमने टू लिखा, इसकी सेंटर इसको कैसे करना है, या तो मार्जिन से करने, वो बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू देनी पड़ेंगे, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा वन बाई वन बिल्कुल सेंटर में। अगर वैसे नहीं करना आपने तो इधर आए इसकी अलाइनमेंट से, ये लेफ्ट सेंटर राइट को जस्टिफाई कौन सा आपने करना है, ठीक है, इधर से भी आप कर सकते हैं, सपोज इधर से मैं सेंटर कर रहा हूँ इसको, ठीक है, इधर नीचे आता हूँ, नीचे भी प्रॉपर्टी शो हो रही है, तो ये क्या लिखा हुआ सेंट्रल वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं, डायरेक्ट इसमें आते हैं सेंटर वर्टिकल में, ठीक है, सेंटर में क्या करेगा, वर्टिकल अलाइन है लेकिन सेंटर में, तो इसको अपने बॉक्स के सेंटर में लेके आना है, तो इधर आ जाए, इधर से कर लें सेंटर, ठीक है, ये टैक्स की प्रॉपर्टी से किया है, टैक्स की प्रॉपर्टी से किया है, ये टेबल की प्रॉपर्टी से नहीं किया, ठीक है, तो ये इसकी एडजस्टमेंट थी। तो बाकी इसको कलर कैसे करना था, आपने इसी टेबल टूल को लेना था, इसको सेलेक्ट करके इसको कलर दे देना था टेबल को, बैकग्राउंड कलर, और ये मेरा मार्किंग होगा, कोई सा भी आप दे लें, ठीक है, इस तरह थी ये असाइनमेंट। और आपने साइड से इसको करना था, इसके दो एजिस को लेफ्ट और राइट से, वो कैसे करना था, टेबल में जाना था एक बार, इधर से ऑप्शन सेलेक्ट करने थे आपने, टॉप एंड बॉटम करना है, लेफ्ट एंड राइट करना है, हमने लेफ्ट एंड राइट करना है, तो आएंगे अपने सेल के ऊपर जिसको लेफ्ट एंड राइट, तो उसको करना है, इसका भी हम बॉर्डर सेट करेंगे, तो ये देखें लेफ्ट और राइट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह किसी और का हमने करना है टॉप बॉटम, इसका करना चाह रहे हैं, पहले आपको चेंज करना पड़ेगा कौन सा करना है, टॉप एंड बॉटम करना है, वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको टॉप एंड बॉटम से एडजस्ट कर लिए, ठीक है, वो दोनों को उसने क्यों दिया क्योंकि दोनों फ्लैट थे, भी एक को करना पहले एक कलर में लिखा था। हाँ जी कलर में लिखा है जी सर, ये मेरा इस तरह नहीं हुआ, मेरा जो यानी कि जब वो कलर करती थी ना तो वो टेक्स्ट ही गायब हो जाता था, बस यही मेरा इशू था और मेरी एग्जामिनेशन नहीं आया। पहले आपने सिलेक्ट करना है इसको सेल को जिसको कलर करना है या जिसकी आपने स्ट्रोक देना आउटलाइन देनी है, तो जिसको हमने करना है ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको ये देखें टॉप एंड बॉटम से मैंने स्ट्रोक दे दें, इसको कलर करना चाहें तो ये बैकग्राउंड कलर करना है, आपने बैकग्राउंड कलर किया कोई सा भी रखना है इधर से, तो आप बैकग्राउंड कलर इस पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह ये आपकी असाइनमेंट थी। ठीक है, इस तरह ये इस जो नेक्स्ट पेज है, एक और टेबल था जिसकी हमने सिर्फ दो साइड्स करनी थी, उनको हमने देना था बॉर्डर लेफ्ट एंड राइट से, लेफ्ट एंड राइट सेलेक्ट किया, उसके बाद उसको बॉर्डर दे दिया 20, तो ये इस तरह किया, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको टेक्स्ट अलाइनमेंट। सर एक क्वेश्चन था जी सर, जब आप टेबल को सेलेक्ट करके बॉक्सेस में आते हैं रोज और कॉलम्स में, सर वहाँ पे मेरा पूरी रोज या कॉलम सेलेक्ट होता है, मेरा इंडिविजुअल बॉक्स नहीं सेलेक्ट होता है, ओके कैसे कैसे सर, मैं मतलब बॉक्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ, बॉक्स से मरा इंडिविजुअल बॉक्स को नहीं सेलेक्ट कर सकता, कॉलम को कर सकता हूँ या रो को कर सकता हूँ, एक सेल को
हाँ, जब कंट्रोल प्रेस करके आप क्लिक करेंगे, आप टेबल टूल सेलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल प्रेस प्रेस करें, और जितने मर्जी आप। मैंने वैसे असाइनमेंट में सर ऐसे ही किया था, कंट्रोल प्रेस करके मैंने कहा कि किसी और तरीके से टाइप करते हैं। नहीं, इसी तरह शेयर करता टूल हूँ। से भी हो जाता है, शेयर टूल को सेलेक्ट करके भी। ठीक है, तो अगर ज़्यादा करने हो आपने, वो शेप टूल में जाएं आप। ठीक है, इसको किसी एक साइड से आप करना चाहें, एक साइड में। शेप टूल से ही कनेक्ट किया। न्यू न्यू तरीके आ रहे हैं, डिफरेंट वेज है, आप जैसे मर्जी कर लें क्लिक करके। तो आप ओके सर, थैंक यू। आपका जो पर्पज है वो पूरा होना चाहिए, जैसे मर्जी कर लें, कितना टेक्निक। ओके ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमारा है ग्रेडियंट कलर। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को करना, किसी ऑब्जेक्ट को करना ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट टूल अभी सिर्फ टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, इधर कोई सा भी टेक्स्ट लिखें, या नीचे भी लिख लेते हैं ग्रेडियंट कलर। ठीक है, वो कैसे यूज़ करना है, पहले हम अभी करते हैं सिर्फ एक ही कलर, जितने भी हमने यूज़ किया है कलर स्कीम्स सब पे एक एक कलर करते रहें, लेकिन आज हम करेंगे ग्रेडियंट कलर। ठीक है, वो कैसे करना, ये आपके पास नीचे शो हो रहा है। अच्छा, ग्रेडियंट कलर आप किसी को भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, किसी अपने शेप ऑब्जेक्ट को करना हो, इसकी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा डिज़ाइनिंग के अंदर ग्रेडियंट कलर लगे होते हैं, डिफरेंट मिक्सचर होता है, तीन चार कलर का, दो कलर का या इससे ज़्यादा का। तो वो आप इधर कोरल ड्रा में कैसे करना है, ये आपके पास आ रहा है इंटरैक्टिव फिल टूल, जी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप इधर से आके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरैक्टिव फिल टूल है इधर हमारे पास। ठीक है, इसको स्कोर करें, ग्रेडियंट कलर करना है, तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रेडियंट कलर। ठीक है, इसको कैसे करना है, इसको सेंटर से आप पकड़ लें, या इधर इसकी साइड से टू रखें इसको। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सेंटर से हम पकड़ते हैं इसको, उल्टा नहीं कर रहा। चले उल्टा ही आने में काम फिर भी पूरा ही करेगा। अच्छा, ये ग्रेडियंट कलर है, चाहे 2020 के अंदर ये सीधा आ रहा हो ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो आप देख लें जैसे भी आ रहा है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं पकड़ कर। तो ही पड़ी है। अच्छा, ग्रेडियंट टूल है, शायद आपके पास जो है इसके एरोज हैं वो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आ रहे हो, मेरे उलट आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो अनचेक करते हैं, दोबारा सेलेक्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, आने इसकी सेटिंग में बाद में चल जाएंगे। ये आपके पास ग्रेडियंट टूल है, तो ये अभी ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट हुआ है इसके अंदर एक, अभी तो आपको नज़र नहीं आया क्योंकि ये ऊपर से नीचे हमने किया हुआ है, तो थोड़ा सा करते हैं साइड से। इसको सीधा कर लें फिर आप उल्टा पाएंगे। ठीक है, ये आपके पास ग्रेडियंट कलर शो हो रहा है, साइंस इसकी टेढ़ी मेढ़ी हैं तो इस सब इसका यूज़ आपको बताते हैं। ग्रेडियंट कलर अभी दो, ये ब्लैक से स्टार्ट हो रहा है और वाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, ब्लैक से स्टार्ट होके वाइट की तरफ जा रहा है। इसका अगर आप साइज़ ज़्यादा करें, ये देखिए ब्लैक से स्टार्ट हुआ
और वाइट पे जाके एंड हो रहा है, ठीक है। इधर से इसको काम कर दें, ब्लैक से स्टार्ट होते हुए ये वाइट की तरफ जा रहा है। अच्छा ये देखें वाइट कलर है, इसके जो आगे आपको एरो नज़र आ रहा है उधर, इसकी सारी बहुत सारी पट्टीज हैं वो शो हो रही हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी आपने कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, वो आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ डायरेक्ट कर जाएंगे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह इसका कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, अभी ये वाइट कलर वाइट बॉक्स सेलेक्टेड है, ठीक है। इसका कलर चेंज करना चाहें इधर से इसे कोई कलर दे दें तो ग्रेडियंट में वो आपका कलर पिक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बैक आ जाएं, ये ब्लैक वाला है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये ब्लैक कलर इसके नीचे आ रहा है, ठीक है। इसका कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं आप अपने ग्रेडियंट के अंदर, येलो करना चाह रहे हैं, कोई और करना चाह रहे हैं, तो वो आप इधर से कर सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी इधर से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी का आइकन है साथ, जितनी भी आप करना चाहें, सही है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कोई थर्ड कलर ऐड करना चाहें आप, थर्ड कलर कैसे ऐड करना है, ये आपको जो लाइन नज़र आ रही है इस पर दो बार क्लिक कर दें, डबल क्लिक कर दें तो इधर नया कलर जो है वो ऐड कर दें आप। ये सपोज मैं ब्लू ऐड कर रहा हूँ तो ब्लू इफेक्ट भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें पहले दो कलर थे हमारे पास, अभी हमने जो है इसके अंदर तीन कलर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पे जाएं, इधर एक और कलर ऐड करना चाहें, चौथा कलर फोर्थ कलर वो डबल क्लिक करें आप, इधर एक और कलर ऐड कर दें, वो आप कोई सा भी रख सकते हैं, स्काई रख लेते हैं हम अभी, तो ये स्काई कलर इधर ऐड हो गया, ठीक है। फिर इसको इसका इफेक्ट जो है वो कम ज़्यादा करना चाहें आप, ठीक है, तो इसको बढ़ा दें अपने ग्रेडियंट कलर को, ठीक है। इसको जितना ज़्यादा करेंगे कलर शेड उतनी ज़्यादा बारिश जाएंगी, ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल वो आपने देख लिया, इस कलर की ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी है वो आप कर सकते हैं, इधर से करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट टूल्स है इसका बेसिक, अभी हम जाते हैं इसकी डिटेल के अंदर, ठीक है। अभी हम इसकी डिटेल की तरफ जाते हैं, इसको साइड पे करते हैं, ये चले इसी के ऊपर यूज़ कर लेते हैं। ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया दोबारा से, ग्रेडियंट टूल है, इसके बाद आए इसके ऑप्शन की तरफ। ये है यूनिफॉर्म फिल, यूनिफॉर्म फिल मींस ए कि आपने सॉलिड कलर करना है, जिस तरह नीचे से करते रहें, सॉलिड की तरफ आते हैं, इसको डबल क्लिक करें, इसके आगे कलर्स ओपन हो जाएंगे, कलर पैलेट जो है जिस तरह दूसरा हम सिंपल कलर करते रहे हैं वो ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल जी करके मैं बैक जा रहा हूँ, टूल सेलेक्ट किया। अच्छा ये सॉलिड कलर था स्टार्ट के ऊपर, उसके बाद आगे आए आप तो फाउंटेन फील लिखा हुआ है, मीन ग्रेडियंट कलर, ठीक है। फाउंटेन फील के अंदर सारे ग्रेडियंट इफेक्ट हैं, ग्रेडियंट ये वही वाला आ गया जो भी हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, जिसकी अभी हम वैल्यूज दे रहे थे इसको। वो आ गया, ये इधर आए आप तो जो बाय डिफॉल्ट इसके पड़े हुए हैं कलर्स वो आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, फाउंटेन कलर के। ये इसको हम करते हैं सेलेक्ट, उसके बाद देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा है। ये आपके पास फाउंटेन कलर आ गया, मतलब मिक्सचर है ये भी कलर का, तीन चार कलर का, वो कलर अलग अलग भी आपके पास आ रहे हैं, उन सब के ऊपर आप क्लिक करके उनकी जो है चेंज करनी हो विजिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी वो आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये इसकी करनी है
ग्रीन की वो करनी आप कर सकते हैं ठीक है। ये इसके कलर्स हैं बाई डिफॉल्ट जो पैलेट के अंदर पड़े हुए हैं। जो नेक्स्ट देखें अगर कोई कलर आप सेलेक्ट करें ये वाला तो ये इफेक्ट आपके पास अप्लाई हो गया ग्रेडियंट के अंदर ही ठीक है। इसकी थोड़ी सी पत्तियाँ ज़्यादा कम मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ठीक है ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जाएं हम नेक्स्ट भी कलर इसी तरह ये सारे इफेक्ट्स पड़े हैं वन बाई वन जो है इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है। इसके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं ये जितनी भी आपको सेटिंग यहाँ पे नज़र आ रही है ठीक है। ये इसका पैटर्न है कि जो हमें ये वाला कलर नज़र आ रहा है ये जो भी हमने सेलेक्ट किया है इसके वाला ठीक है फाउंटेन फील जो नज़र आ रही है हमें ठीक है। ये इसका इफेक्ट है कि जो शेडिड है वो कैसे बनी हुई है सारी ठीक है वो अभी हमने देखा। ये देखें इसको करें कम ज़्यादा करें तो ये शेड जिस तरह आपको नज़र आएंगे जिस तरह ये कलर्स आप काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 12, 13 कलर्स होंगे तो ये इस तरह अप्लाई हुए हैं इसके ऊपर ठीक है। ये देखें आप ये सारे इस तरह अप्लाई हुए इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं आप इसका इफेक्ट उसी तरह चेंज हो जाएगा। अगर बाई लेके जाएंगे आप ये इसको पकड़ के इधर ले आए ठीक है इसी तरह इसका इफेक्ट भी सर्कल से आउट होता जाएगा जिस तरह ये आपका सर्कल ऊपर रहा है ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हैं इसी तरह ये कोई इधर से कलर चेंज करना चाहें आप कलर चेंज करना चाहें किसी भी कलर के ऊपर आके एक बार क्लिक करें उधर से आप कलर चेंज कर सकते हैं इजीली। कोई नया कलर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं इसी तरह सेकंड कलर पे जाते हैं वो चेंज करना चाहें। ये बाय डिफॉल्ट से जो पड़े हुए हैं उधर ठीक है ये कलर आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जाएं ये भी सारे पैटर्न बाई डिफॉल्ट पड़े हुए हैं आप उनको देख सकते हैं वन बाई वन ठीक है। ये डिफरेंट पहले के पड़े हुए हैं ठीक है टूटोरियल ड्रा के अंदर उसकी डायरेक्शन भी जो है वो भी डिफरेंट है। ये देखें अगर आप ये वाला ये आपने लिया कर ये फर्स्ट पे वाइट लगा हुआ है इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा है इसको चेंज कर लेते हैं। अभी आप इसको भी देख सकते हैं ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जाते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास क्या ये वेक्टर पैटर्न फिल पे करें क्लिक। वेक्टर पैटर्न पे जाएं तो इधर वेक्टर्स के जो इसके बाय डिफॉल्ट पड़े हुए हैं और इसकी सीक्वेंस जो है वो आपको शो हो जाएगी वेक्टर की ठीक है। इसको हम इधर ले जाते हैं इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर लें वेक्टर। इसमें भी डिफरेंट पैटर्न पड़े हुए हैं आपके पास वेक्टर पैटर्न ठीक है। ये अभी करते हैं ये कर लेते हैं तो अभी अगर हम इसको जूम करें तो ये डिफरेंट पैटर्न जो है वो देख सकते हैं ठीक है। ये इसमें बड़ी स्टाइलिंग हुई है आपको एक पूरा पैटर्न नज़र आ रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट पड़े हुए हैं पहले के उनको नहीं हमने छेड़ा। फिर इधर ही जाते हैं वेक्टर पैटर्न पर कोई और पैटर्न अप्लाई करते हैं जो भी आप करना चाहें ये सारे वेक्टर पैटर्न पड़े हुए हैं इधर वो आप वन बाय वन जो है वो ट्राई कर सकते हैं। ये बड़े लाइट कलर में सारे जो है आप बाय वन देखें ये ठीक है। इसको जूम आउट करते हैं ये इस तरह ही आपको नज़र आएगा। ये पहले के पड़े हुए थे वेक्टर पैटर्न आप अपने भी बना सकते हैं खुद वो बताता हूँ वो कैसे बनने हैं कि आपने कोई अपना ग्रेडियंट कलर जो है वो सेव करवाना है तो वो कैसे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जाएं हम फिर हमने सेलेक्ट किया अपना ग्रेडियंट
इसके बाद बिट मैप पैटर्न, ये वेक्टर थे इससे पहले ग्रेडियंट कलर थे सिंपल जो सॉलिड कलर की तरह, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास वेक्टर था, इसके बाद जो है वो बिट मैप पैटर्न है। बिट मैप पैटर्न में भी डिफरेंट पैटर्न, इसको साइड पे करते हैं, ये हर एक के अंदर डिफरेंट पैटर्न हैं। जितना आपके पास एरो जो है, मतलब आपके टैक्स के ऊपर अभी एरो है, तो जितना इसको आगे की जानेब आप लेके जाएंगे, तो जो सबसे पहले कलर्स हैं, सपोज करें कि ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर पीछे की जानेब जो है वो ज़्यादा डार्क होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे कलर्स पीछे की तरफ डार्क होते जाएंगे, मतलब जो कलर्स पीछे हैं आपके एरो के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ आपने ग्रेडियंट जितने भी बन रहे हैं आपके कलर मिक्स, वो इधर ज़्यादा विजिबिलिटी उनकी शो होती रहेगी। अगर इसको आप कम करते जाएँ, ये देखें इसको मैं कम कर रहा हूँ, तो आगे वाले कलर भी कम रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर इसमें 5-6 कलर्स हैं और ये यहाँ तक आपका एरो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट के ऊपर आपके कलर्स अप्लाई नहीं होंगे। अगर अप्लाई हैं वो तो उनका कम इफेक्ट होगा। इस तरह आप इस एरो को पकड़ें, पूरे आप टेक्स्ट के ऊपर ड्राइव करें, तो सारे कलर जो हैं आपके पूरे टेक्स्ट के ऊपर नज़र आएंगे, ठीक है। वो हम ट्राई करके भी देखते हैं कैसे नज़र आएंगे। अभी अच्छा इसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स हैं आपके बिट मैप के अंदर, ठीक है। ये आप इसके पैटर्न देखें वन बाई वन, उनको ट्राई करें। ये वाला ये ग्रीन सेलेक्ट करते हैं हम, ठीक है। ग्रीन पैटर्न उनका इस तरह बना हुआ है, ये बड़ी पार्टी पड़े हुए हैं इनके ना। इनके आप अगर कलर में जाएं, ठीक है, ये इनका पैटर्न जो है वो बना पड़ा हुआ है इधर, ठीक है। इसकी एक फाइल बनी पड़ी हुई है, वो आपको इधर भी नज़र आ रही है, ठीक है। पैटर्न एक बना के रखा हुआ है उन्होंने फाइल सेव करके, ठीक है। ये कलर नहीं है इनमें, इनमें पैटर्न बने बनाए पड़े हुए हैं, ठीक है। जिस तरह हम ग्रेडियंट के अंदर कलर को चेंज कर रहे थे, ठीक है, ग्रे कलरिंग चेंज कर सकते हैं, तो इसमें डिफरेंट पैटर्न पड़े हुए हैं बने बनाए। जिस तरह हम कोई इमेज सेव करके रखते हैं, कोई अपने कलर से डिफरेंट पैटर्न बना के रखते हैं, तो इसी तरह इन्होंने रखे हुए हैं पैटर्न बना के, ठीक है। और आपको इधर भी शो हो रहे हैं, तो वो आप उनका इफेक्ट आपको सिंपल इधर कलर नहीं आपको शो हो रहे, क्योंकि उन्होंने पैटर्न एक बना के रख लिया हुआ है कलर से या शेप को यूज़ करते हुए, ठीक है, डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। तो ये पैटर्न का कैसे अप्लाई होना वो है। उसके बाद टू फिल कलर है, ठीक है, इसकी तरफ आएँ तो इनमें देखें ये टू फिल कलर है, दो कलर्स अभी, एक रेड और ये ब्लू, दोनों शो हैं। इसको हमने क्लिक किया तो दोनों कलर्स अलग अलग आ गए, ठीक है। ये हैं ग्रेडियंट ही, लेकिन इनका इफेक्ट डिफरेंट है। ग्रेडियंट में और इसमें क्या डिफरेंस है, ये देखें दोनों कलर जो ना मिक्सिंग नहीं इनकी नज़र आ रही है हमें यहाँ पे, बिल्कुल दोनों अलग अलग नज़र आ रहे हैं। ये रेड अलग नज़र आ रहा है, ब्लू अलग नज़र आ रहा है, ठीक है। इनको चेंज करेंगे तो ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट ही रहेंगे। कलर दो ही होंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे। इसके अगर रिवर्स देखें तो वो ग्रेडियंट था जो हमने स्टार्ट में फर्स्ट में देखा, वो कलर मिक्सिंग थी, ठीक है। ये भी ग्रेडियंट है लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग, ठीक है। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें इसको कम ज़्यादा करें, ठीक है। ये हैं वही कलर, इसमें अगर थर्ड भी कोई ऐड करना चाहें आप, थर्ड ये अलाउ नहीं करेगा, टू कलर थ्री है। इधर से आप चेंज कर सकते हैं कोई सा भी उसका कलर, जिस तरह इसका करना है आपने चेंज इस तरह कर सकते हैं, लेकिन ये रहेंगे इसी तरह सेपरेट ही रहेंगे एक दूसरे से, ठीक है।
ये इसकी डिफरेंट वेज से टेक्स्ट को कैसे हमने ग्रेडियंट बनाना है। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट पर। ये बात बताएं, हमने इसमें टू से ज्यादा जैसे रेनबो कलर्स सारे ऐड करने हो सब हो सकते हैं? हाँ जी वो हो सकते हैं। आप ये सिंपल जो है आपका फाउंटेन फिल मतलब ग्रेडियंट है जो आप उसमें जाएं जितने मर्जी कलर जो वो आप ऐड करते जाएं। ठीक है, सेवन है रेनबो में, सेवन कलर हैं तो इधर सेवन के सेवन ही आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये कलर आपको नज़र आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जैसे भी चाहें और इनकी मिक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट इनके थे। इसके अलावा और भी हैं, आगे अगर मूव करें लीनियर फाउंटेन फिल है। ठीक है, ये ऊपर देखें तो इनकी वैल्यूज भी जैसे चेंज होंगी। इसके अलावा ये है नेक्स्ट एलिप्टिकल फाउंटेन फिल। ठीक है, इसको देखें तो इसकी डिफरेंट सेटिंग है। ये बाइक की जानी सर्कल आपका, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ। हर एक ऐड किया था तो मुझे नहीं समझ आया। ठीक है, वो भी देखते हैं। इस तरह लें तो ये कैनोनिकल फिल है, इसमें जाएं तो ये कलर ये आप इस तरह यूज करना चाहें। इसका कट चेंज करना चाहें, ये डिफरेंट हैं सारे इसके ऑप्शन हैं हमारे पास ग्रेडियंट कलर्स के। जिस तरह की आपको ज़रूरत हो वो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। कोई पैटर्न अप्लाई करना है या कोई वेक्टर अप्लाई करना चाहें इसके ऊपर पैटर्न, ग्रेडियंट कलर्स, टू फिल कलर्स, ठीक है, वो आप इधर से आके ट्राई करें। जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर सपोज करें हमें इस तरह के कलरिंग स्कीम कहीं पे चाहिए ज़रूरत है, आपके यूज़र ने कह दिया आपके कस्टमर ने, तो वो आप इधर से आएँ इस तरह की कलरिंग स्कीम अगर यूज़ करना चाह रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कलर सेपरेट है, मिक्सिंग नहीं है लेकिन मल्टीपल कलर है। ठीक है, इसी तरह इसके बाद आगे जाएँ रेक्टेंगुलर फाउंटेन है। रेक्टेंगुलर फाउंटेन में क्या है, ये देखें रेक्टेंगल्स की तरह। ठीक है, इसकी थोड़ा सा इसको कम ज़्यादा करें। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, ये भी उनसे मिलता जुलता लेकिन इसकी थोड़ी सी सेटिंग लग जाए। रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर जो है ना कलर फिलिंग हो रही है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे नोड ट्रांसपेरेंसी है, ये हमने पहले देख लिया ट्रांसपेरेंट करना नोड को, तो वो कैसे कर सकते हैं। अभी आपके पास जो नोड पोज करें ये वाला सिलेक्ट किया है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी हो वो आप इधर से पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट कलर का इंट्रो था, ग्रेडियंट टूल का इंट्रोडक्शन ऑन टेक्स्ट। आपके टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट के डिफरेंट इफेक्ट्स वो हमने वन बाय वन देखे हैं। तो यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि किसी शेप के ऊपर कैसे अप्लाई करने हैं और अपना कोई ग्रेडियंट बना के तो इसको कैसे सेव करना है।